ये वो वाला बम है जो अपन ऊपर जाके फूटता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें एक टेक्निक लगाते हैं, इसको यूं नहीं यूं रखेंगे भी, देखते क्या होता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो भाई स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो भाई आज बहुत स्पेशल दिन है, दिवाली जस्ट कल थी और आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। कल तो मैं कर नहीं पाया था, किया था लेकिन इतना बेटर हमने किया नहीं, पूरा दिन सोने में ही गुजार दिया, थोड़ा इधर उधर घूमने में और लोगों को मिठाई खिलाने में निकाल दिया। तो भाई आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, फुल पटाखे लेके आए हैं, फुल बम फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, एंजॉय करेंगे आज का दिन, और किस तरह एंजॉय करते हैं आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हम हालत खराब हो रही है चेहरे की, और शेविंग भी नहीं बनवाई है मैंने, बालों की भी हालत खराब है। फिलहाल तो मैं वर्कआउट खत्म करके आया हूँ, बहुत ही आज खतरनाक वर्कआउट किया, पूरा खतरनाक, मतलब ए टू जेड। देखो पंप देख सकते हो बाइसेप्स का, ये देखो। ओके तो भाई थकान हो रही है, अभी घर जाके थोड़ी डाइट वाइट खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं और दिखाते हैं आज का पूरा दिन हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आप लोग भी बने रहे और एंजॉय करें आज का व्लॉग। और ये जो दोनों बसें आप देख रहे हो, हमारे देश के जवान आर्मी की है, आर्मी है। और अभी दो बसेस उधर देखी, दो बसेस इधर है, और पता नहीं कितनी बसें होगी। तो भाई फुल पूरी सिक्योरिटी है और ये हर जगह पुलिस का जाप्ता लगा हुआ है। फिलहाल इसको देखो कितनी जल्दबाजी है, देखना ये गाड़ी में बॉम्ब लेके बैठा है। भाई यहाँ मत फोड़ देना, नहीं तो ध्यान रखना अपनी हालत खराब हो जाएगी। भी फिलहाल अपन को सबसे पहले एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, कानों के पर्दे वर्दे सब फट जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कांच वगैरह तो फूट जाते हैं, अगर फूट कांच के अपने पर्दे वर्दे सब फूट जाएंगे कानों के, कानों में से खूब ब्लड निकलने लग जाएगा अभी। ओके गाइस, तो अब चलते हैं, नाना धोना हो चुका है, बाल थोड़े बिगड़े हुए हैं, अब इनको सेट करते हैं। और बॉडी कंडीशन आप देख सकते हो, देखो ये फुल पावर है भाई। अब चलते हैं, और एक ऊपर से एक पिंपल और हो गया, इसको भी ठीक होने में 2-3 दिन लगेंगे। बिल्कुल मेरे जितने भी होते हैं मिड सेंटर में होते हैं, पिछली बार यहाँ हुआ, अब ये सेकंड नंबर पे। कोई आज हम ये वाला शर्ट पहनेंगे, मेरे को नहीं पता यार मैच करेगा या नहीं करेगा। इस मेरे को तेरे से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मेरे को भी कुर्ता ही लाना चाहिए था, एक बार दिखाना तू कैसा लग रहा है भाई। मैंने बोला था इनको साथ चलते, लेकिन मेरी ऐसी उड़ा रहे थे, कुर्ते वगैरह पहन रहा है, यूं कर रहा है भाई। एक बार कमेंट करके जरूर बताना मनीष कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन ठीक है कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लग रहा हूँ। ओके चलो। ओके गाइस, इस बार मैं दिखाता हूँ आपको मैं कितने सारे पटाखे लेके आया हूँ, शॉक्ड हो जाओगे। पिछली बार तो हमने इतने सारे नहीं फोड़े थे, बिल्कुल इसके समथिंग 10% ही फोड़े थे, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा लेके आए हैं। मैं सोचा थोड़ा एंजॉय करते, लास्ट टाइम नहीं लेने का रीज़न था थोड़ा बजट कम था आपके भाई का, लेकिन इस बार नहीं, इस बार थोड़ा एंजॉय करेंगे। और देखें मैं क्या क्या लेके आया हूँ, ये देखो इतने सारे भाई, ये देखो इसके सुतली बॉम्ब के 10 पैकेट, इसके एटम बॉम्ब के मतलब ये कुछ एटम बॉम्ब नाम इसका, इसके 10 पैकेट, 15 है, 5 और इसमें और ये पड़े, लेकिन ये खुल गए हैं। हाँ ये देखो आसमान में जाके फूटने वाले हैं। और ये पता नहीं क्या है, ये भी शायद सुतली बम है, ये देखो। अब ये पता नहीं VIP बम पता नहीं कौन सा है। और ये पूरे पटाखे हैं शायद बहुत बड़े हैं। और ये देखो अब ये पता नहीं किस तरह के हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखने पड़ेंगे, दिखाता हूँ आपको। ओ ये तो पूरा कारतूस टाइप का है, ये देखो। ठीक है अब इसको भी खोल के दिखाएंगे और अब जाते हैं एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा माहौल बनाने वाला है भाई, क्योंकि इस बार मैं बना रहा हूँ तो आप लोग भी देखें और आप लोग भी मज़ा लें, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहें। ओके तो गाइस देखो इतने सारे लाइटर लेके आ गए, ये देखो कम से कम स्टार्टअप करते हैं, इतने सारे बम लेके। ओहो भाई धीरे, ये देखो अभी चालू करते हैं, ये देखो भाई स्टार्टअप करते हैं। कैमरामैन थोड़ा एक्सपीरियंस वाला नहीं है, बाकी तो सब ठीक होता। ये देखो ये अलग ही है भाई, ये छोटा भी अपना देखो। ये वो वाला बम है जो अपन ऊपर जाके फूटता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें एक टेक्निक लगाते हैं, इसको यूं नहीं यूं रखेंगे भी, देखते क्या होता है, ठीक है। एक बार यहाँ फटेगा फिर आगे जाके फटेगा। भाई मेरे को नहीं पता कभी लग नहीं जाए, आग वाग नहीं लग जाए। ये चलो 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 चलो,
मर चलूंगा। ज्यादा खास मजा नहीं आया, रात में चलाएंगे तब मजा आएगा इनका। ये देखो भाई, अरे मनीष आ, मनीष और रुक आ रहा हूं। ले तेरे को आ रहा है, ले 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 भाई साहब, हाथ में क्या करेगा तू? अरे मैं छोटे चला, ले एंजॉय कर, एक और ले, ठीक है। वहां दूर हो जाए, लग नहीं जाए तेरे ना, दूर हो जाए। अब तो खुश है, आओ बस खुश खुश। अरे यार एक दो और तीन, तीनों को एक साथ फोड़ते हैं। तीन हो गए, हो गए, हो गए। इधर ला, ले लाइट, हो मैं खुद ही लगा। ओके गाइस, अब माहौल बनाते हैं सिटी के अंदर जाके, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या होता है, दूर फेंकना पागल। चलो दोनों घोड़े खड़े हैं भाई अपने, देखो सूट चल रहा था उस दिन, इसकी फट रही थी कायदे से। ओके गाइस चलते हैं, डन बने रहे और एंजॉय करें अभी। ऑल राइट, तो गाइस मजा अब आएगा, अब अपन जो 12 बार फूटते हैं ना, ये क्या अभी मैं पता नहीं किसी, ये 12 बार फटेगा, देखो एक ही या दो है। चलो अब इसको फोड़ते हैं, कौन चला रहा है? मैं चलूं? एमजी लगी यार। ओके गाइस, तो भाई मेरे कानों में मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि इतना सारे बम फोड़े, इतने जोरदार आवाज वाले थे ना। अरे बताऊँ कैसी आवाज आ रही है, चू कुछ ऐसे हकीकत में ऐसी आवाज आ रही है, मैं ऐसा लग रहा चू चू पता नहीं क्या बोल रहा, मेरे को दोनों गानों से समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो नहीं रह पाऊंगा भाई, देखिए बस सही कैसे करता हूँ कुछ। यार अजीब सी आवाज आ रही है, मेरे को लग रहा है कुछ पर्दे वर्दे फट तो नहीं गए, मेरे को लग रहा है इस कान का पर्दा इसमें और इस कान का पर्दा इसमें आ गया। ओके गाइस, हम घर जा रहे हैं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज की दिवाली हमने एंजॉय की, काफी अच्छी थी, और आप लोगों ने कैसी की, किस तरह एंजॉय की, आपको मजा आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करें। एंड लव यू ऑल, नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहें। अब हम खा रहे हैं डिनर, जिसमें हम ले रहे हैं दो चपाती, खीरा ककड़ी, आलू की सब्जी, और ये रहा हमारा 150 से 200 ग्राम पनीर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मसल ग्रोथ के लिए, हाई प्रोटीन डाइट इसमें है। तो
अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट आप लोग भी खा सकते हैं, ठीक है, खाते हैं। और मेरे कानों की प्रॉब्लम अभी भी हुई है, चूँ पता नहीं ऐसा क्या बोल रहा है, तो अभी मैं खा लेता हूँ खाना और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा ताकि क्या पता रेस्ट करने से ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये दो दिन पहले ठीक हुआ। तो ओके, लव यू ऑल, आप लोग भी डिनर करो, एंड लव यू ऑल एंड बाय।